अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद खुर्रम और आप देख रहे हैं उमर टीवी राइस एक्सपर्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इस पर रवायत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मालदीव तो इस्लामी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मालदीव का साइज अमेरिकन दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से सिर्फ 1.5 गुना बड़ा है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मालदीव का रकबा 300 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काजकस्तान रकबा के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काजकस्तान का रकबा 27,17,300 स्क्वायर किलोमीटर है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कम आबादी वाला मुल्क वेटिकन सिटी है? दोस्तों, वेटिकन सिटी की आबादी 911 अफराद पर मुश्तमल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की आबादी 1,65,17,607 अफराद पर मुश्तमल है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है? इंडोनेशिया की आबादी 23,84,52,952 अफराद पर मुश्तमल है। दोस्तों, इस्लामी दुनिया में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा नंबर है और बांग्लादेश का तीसरा नंबर है। दोस्तों, मालदीव इस्लामी दुनिया में सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, मालदीव की आबादी 3,39,330 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है और जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है? दोस्तों, ग्रीनलैंड का रकबा 21,74,600 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है? सऊदी अरबिया का रकबा 32,50,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा दारुल हुकूमत टोक्यो है? टोक्यो की आबादी 24.5 मिलियन है। दोस्तों, न्यूयॉर्क आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा दारुल हुकूमत है जिसकी आबादी 21.4 मिलियन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे गैर आबाद बरेआज़म अंटार्कटिका है जहां पर बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जाती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका मोनाको है? दोस्तों, मोनाको 42,861 स्क्वायर माइल के एरिया पर पाया जाता है, यानी कि 42,851 अफराद मोनाको में 1 मील के एरिया पर आबाद है। दोस्तों, दुनिया में सबसे कम गुंजान आबाद इलाका ग्रीनलैंड है जहाँ पर 15 स्क्वायर माइल्स के एरिया पर सिर्फ 1 आदमी आबाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शंघाई दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है? शंघाई की आबादी 1,32,78,500 अफराद पर मुश्तमिल है। मुंबई आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। मुंबई की आबादी 1,26,22,500 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी जमहूरियत आइसलैंड पैसिफिक ओशन पर वाकया है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड का रकबा 21 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी सिर्फ 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती झील है? दोस्तों, कैस्पियन सी के साथ रशिया, काजकस्तान, आज़रबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान की सरहदें मिलती हैं। दोस्तों, कैस्पियन सी का रकबा 1,52,239 स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, दुनिया की
دوسرے نمبر پر بڑی جھیل کینیڈا میں واقع ہے، جس کا ایریا 31,820 اسکوائر مائلز پر مشتمل ہے۔ دوستو، وولٹا لیک دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل ہے، جو کہ گانا میں واقع ہے، جس کا رقبہ 8,482 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ دوستو، کیسپین سی نمکین پانی کی دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، جس کا رقبہ 396,299 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بلند مقام پر پائی جانے والی جھیل پنچ بخاری ہے، جو کہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر واقع ہے۔ دوستو، اس کی بلندی 17,762 فیٹ ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے گہری جھیل رشیا میں پائی جاتی ہے، لیک بیکل کے نام سے۔ دوستو، لیک بیکل کی گہرائی 5,315 فٹ ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے لمبا دریا نارتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے، جس کا نام نائل ہے۔ دوستو، نائل کی لمبائی 6,741 کلومیٹر ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے عظیم پہاڑی سلسلہ ہمالیہ میں پایا جاتا ہے، جو کہ نارتھ انڈیا کی بارڈر کے ساتھ واقع ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی ہمالیہ کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔